परमात्मने नमः। चलिए सबसे पहले हम 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे, जैसे आपको बताया गया है। ओम 3 क्लासिफिकेशंस में आता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के हिसाब से। ऋग्वेद में इसके बारे में स्पेशली व्याख्या की गई है। मूलाधार चक्र पर ब्रह्मा जी का वास है, नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर विष्णु जी का वास है, और सहस्त्रार पर, क्राउन चक्र पर भगवान शिव का वास है। तो हम 3-3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, आप मेरे साथ मिलके करें। 3 बार ब्रह्मा जी यानी कि मूलाधार चक्र पर ध्यान करके कैसे करना है वो समझ लें। ओ ये ब्रह्मा जी के लिए है, दूसरा विष्णु जी के लिए कैसे करना है। ओम और सहस्त्रार चक्र पर, क्राउन चक्र पर गहरा लंबा श्वास लेकर ओम। You can feel the energy of all these 3 ओम चैंटिंग स्टाइल्स और इनकी एनर्जी का इफेक्ट आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशंस पर। ठीक है सुमित जी, अब आप 3 बार मूलाधार चक्र पर, 3 बार मणिपुर चक्र पर और 3 बार ब्रह्मरंध्र पर यानी कि क्राउन चक्र पर फोकस करके ओम चैंटिंग करेंगे। After completion, rub your both palms together, put on your eyes and open your eyes after watching your palm. Thank you.
नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर माइंड रिलैक्सेशन, क्योंकि सबसे पहले हमारा सिर ठीक होना चाहिए, सिर के बाद नर्वस सिस्टम एंड स्पाइन ठीक होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे शरीर के अवयवों को फोकस करते हुए आगे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रह्मरंध्र पर यानी कि सहस्रार चक्र पर 50 राउंड तेजी से श्वास लेना, तेजी से छोड़ना, फिर ललना चक्र पर, उसके बाद मेडुला ओब्लिगेटा पर जहाँ पर आज्ञा चक्र है, और उसके बाद विशुद्धि चक्र पर यहाँ पर 50-50 राउंड तेजी से श्वास लें। श्वास का एक बार क्रिया देख लें कैसे करनी है। चार राउंड करने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकना है, और उसके बाद अगली जगह पर ललना चक्र पर फोकस करना है, फिर 50 राउंड शुरू करें। बहुत अच्छे सुमित जी, बहुत अच्छे कर रहे हो। अब अगले चक्र पर फोकस करें, ललना चक्र पर, जहां बच्चे के सिर की धड़कन देखते हैं, काक बोलते हैं जिसको, यहां पर फोकस करके 50 राउंड यहां पर तेजी से श्वास लेते हैं, जिसे छोड़ें, श्वास लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, हम सब पूरा इस्तेमाल होने दें। अब अगली क्रिया के लिए गर्दन को नीचे झुकाएं, मेडुला ओब्लिगेटा पर फोकस करें, आज्ञा चक्र पर, जितने भी हमारे चक्र होते हैं सभी स्पाइन में पीछे की तरफ होते हैं। फोकस रखो मित्र जी, गहरा लंबा तेजी से श्वास लेना था।
और सिर को ऊपर करके वोकल कॉर्ड पर फोकस करें विशुद्ध चक्र पर, ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट हो। अपने आप को ऑब्जर्व करो, व्हाट एवर यू आर फीलिंग जस्ट ऑब्जर्व इट, कीप आईज क्लोज, काम, थॉटलेस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर ब्रीदिंग एंड द थॉट्स। दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रब करें, जो हथेली के कॉर्नर हैं नीचे की तरफ उनको रब करके आंखों पर रखते हैं, ताकि आईपैड के तरीके से आप अपने आंखों पर इनको रख सके और हथेली देखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। अगली एक्सरसाइज के लिए अब हम चलेंगे आंखों के लिए। योग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जबकि फिजिकल वर्ल्ड में आजकल जो जिम वगैरह हैं सब नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सिर में सबसे पहले एक्टिविटी कर लेनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, रोटेशन ऑफ योर आइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड ईच साइड। एक बार देख लीजिए, आंखों को पूरा मूवमेंट देनी है लेकिन गर्दन नहीं हिलनी है। कीप योर आईज स्टिल, 5 राउंड ईच साइड। अब अगली एक्सरसाइज, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, कीप आईज ओपन इन फ्रंट एंड देन ट्राई टू लुक एट बैक अबाउ मैक्सिमम। पीछे की तरफ, कंधे से पीछे तक नजर घूमनी चाहिए बिना गर्दन को हिलाए। अगली एक्सरसाइज, डायगोनल मूवमेंट करेंगे, राइट साइड अप लेफ्ट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप राइट साइड डाउन। तो फिगर ऑफ इनफाइनाइट की मूवमेंट होगी ये, आपको ये आंखों से करनी है। विदाउट मूविंग योर हेड, इससे आपकी आंखों का भेंगापन दूर हो जाएगा। Conical kind of disease from the eyes you can remove with this exercise only.
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार। श्वास भर के मुंह को फुलाना है, सकता है थ्रू द क्रोनिक, होल्ड द ब्रेथ, रोटेट इन टू द माउथ एंड देन एक्सहेल थ्रू द नोस्ट्रिल। लुक एट मी फर्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर हो तभी करें। तीन बार करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रोटेशन ऑफ द नेक टू रिमूव द सर्वाइकल प्रॉब्लम, थायराइड एंड रिलैक्सेशन फॉर द शोल्डर्स ऑल्सो। देखिए धीरे से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये गर्दन की एक्सरसाइज मैं हमेशा स्लो करने को इसलिए कहता हूं क्योंकि गर्दन जंक्शन इन बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, नर्वस सिस्टम एज वेल एज द ब्रेन। तो पांच राउंड क्लॉकवाइज, पांच राउंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ठीक ढंग से, बिना झटके के, धीरे धीरे। जैसे आपको पता है किसी भी एक्टिविटी में पेस चाहिए होता है। नर्व्स हमारी स्पाइन के साथ अटैच्ड है और ब्रेन तक पहुंची हुई है। स्पाइन की शार्प एजेस होती हैं, अगर मूवमेंट फास्ट करेंगे तो नर्व्स को पेस नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो इंजर हो सकती हैं। और दीज नर्व्स आर अनरिकवरेबल, बहुत मुश्किल कोई चांस होता है, मिरेकली कहा जाता है अगर ये नर्व इंजर हो जाए और वापस ठीक हो जाए। तो धीरे धीरे मूवमेंट करनी है हमेशा गर्दन की। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट बैक अबाउट द शोल्डर मैक्सिमम विदाउट मूविंग योर शोल्डर। पूरी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाना है, लेफ्ट राइट 5 राउंड ईच साइड। ये जो गर्दन में अकड़पन होती है वो ठीक हो जाएगी, कंधों के मसल्स भी खुलेंगे, इससे सर्वाइकल को रिलैक्सेशन मिलती है, एक बैलेंस करता है, अलाइनमेंट लेकर आती है गर्दन में। अब दोनों हाथों को पीछे लेकर जाओ, हिप्स पर रखो, उंगलियां खड़ी रहेंगी पीछे की ओर और गर्दन को पीछे टिल्ट करके ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ से ही, और हाथ की उंगलियों को देखना है। दिस इज अल्टीमेट एक्सरसाइज फॉर द सर्वाइकल। सर्वाइकल वालों को एकदम रिलैक्स करेगी, इंजेक्शन के तौर पे काम करेगी एक्सरसाइज। जिनको सीवियर सर्वाइकल है उनको ये थोड़ा सा हल्का करके रखना है, बाद में धीरे धीरे अपना वर्टिब्राज रिलोकेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर शोल्डर्स, दोनों हाथों को साइड में लेकर आए, ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे ताकि ये टच भी ना हो और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं लाने ताकि आपके हाथों की मूवमेंट ही रुक जाए। यहां से केवल श्वास भरेंगे, चिन लो, होल्ड द ब्रेथ, कंधों को पंपिंग के तौर पर यूज करना है, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और कंधों को पूरा उचकाना, पूरा नीचे छोड़ना है, ये बीच में नहीं, आधा दूरा नहीं, पूरा मूवमेंट होनी चाहिए। तीन बार करें, आपको बॉडी बिल्डर बनाएगा, कंधों की मसल स्ट्रांग होगी, आपको जिम्मेदार भी बनाएगा। ये इसमें हम अक्सर गलती करते हैं, कंधे उठा के उसके बाद बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं, जबकि इसकी मूवमेंट पूरी होनी चाहिए, ऊपर नीचे पूरा। चेतकाने दो, ऊपर तक जाने दो, ये डायग्नोस्टिक क्लास है, इसमें हम पेशेंट की एक एक्टिविटी ऑब्जर्व कर लेते हैं, किसके फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसके हिसाब से मॉड्यूल तैयार करते हैं आगे की क्लास के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर शोल्डर्स एंड आर्म्स, दोनों हाथों को साइड में रखें, इसमें देखें एक बार पहले ध्यान से, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लटकाएंगे, हाथ की थैली बाहर की ओर रहेगी, और छोड़ते हुए हाथ नीचे से देखेंगे। दस बार करें, ये एक्सरसाइज ईगल की फीलिंग देती है और आपको पता है ईगल कितना स्ट्रॉन्ग पक्षी है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, होल्ड योर बोथ नीज टूगेदर विद बोथ हैंड्स, ये अब हाथों की मूवमेंट ऐसे ना हो, ध्यान रखें, और कोनियों को भी बाहर साइड में ना खोलें, कोनियों को भी यहीं पर स्टिल रखेंगे, केवल कंधों की मूवमेंट होगी साइकिल के पैडल की तरह। अगर ये आपसे नहीं होता है तो इसका विकल्प हमारे पास दो और हैं। पहला विकल्प इसमें कंधे को उचकाना, जैसे बचपन में हम मैनी करते थे, ठीक उसी अंदाज में एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, कंधों की एक्टिविटी, जो फ्रोजन शोल्डर्स हैं, शोल्डर एक है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरा कंधों को उचना है, या फिर उसका दूसरा विकल्प है पूरी रोटेशन एल्बो की, ये कितनी हम अच्छे से कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया सुमित जी, इसमें आपके कंधों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, बस ध्यान रखें गर्दन सीधी और स्थिर रखें। नॉर्मली हम 10 टू 20 राउंड्स कर लेते हैं ईच साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज अप टू योर हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हमें पहले लंग्स को खोलना है और उसके बाद हम साइड एंड वेस्ट की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहली एक्सरसाइज लंग्स के लिए, दोनों हाथों को सामने लाएंगे, पहले देख ले, डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को और गर्दन को पीछे ले जाए, यहां पर होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए दोनों को धीरे से कोऑर्डिनेट करते हुए चलिए तीन बार करेंगे। वेरी गुड,
बहुत अच्छी सुमिति है। नॉर्मली इतना सभी का हाथ नहीं खुलता जितना आप खोल लेते हैं, बहुत अच्छे। अगली एक्सरसाइज हमारी साइड एंड वेस्ट के लिए, रिब्स के लिए, लंग्स के लिए। अल्टरनेटिवली हमने घुटने होल्ड करने हैं, जैसे लेफ्ट हैंड से राइट नी होल्ड करो, राइट हैंड को ऊपर उठाओ धीरे से, गहरा लंबा श्वास भरते हुए, पूरा हाथ ऊपर पूरा खींचो, श्वास छोड़ते हुए साइड में टिल्ट करना है बिना कोहनी बेंड करे, हाथ की हथेली देखनी है ऊपर बिना घुटना उठाए, श्वास भरते हुए धीरे से वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, चेंज द पोजिशन एंड देन रिपीट फ्रॉम द अनदर साइड। करिए सुमिति तीन बार, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हुआ। हाँ, धीरे से श्वास छोड़ो, हाथ के तेली देखो, वेरी गुड, होल्ड द पोजिशन फॉर अ मोमेंट, धीरे से श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज करेंगे, श्वास भरते हुए दूसरा हाथ ऊपर खींचिए खींचिए, श्वास छोड़ते हुए टिल्ट हो जाइए, हाथ के तेली देखते हुए कोहनी बिल्कुल सीधी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तीन बार रिपीट करें एक साइड से, तीन बार दूसरी साइड से। अभी दूसरी साइड से पकड़ो, दूसरी साइड से आओगे। हाँ, वापस चेंज द साइड, एक बार और, वापस थोड़ा स्पीड स्लो रखें, रिलैक्स। अब करेंगे स्पाइन ट्विस्टिंग, ध्यान से देखिए, हमें बिल्कुल अल्टरनेटिवली नी होल्ड करना है और दूसरे हाथ को पीछे लूप करना है, लेफ्ट हैंड को पीछे लूप कर लिया, राइट हैंड से लेफ्ट नी होल्ड किया, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पूरा हाइड्रोलिक मूवमेंट हो गया, एल्बो से बॉडी को आगे नहीं झुकाना है, पीछे नहीं झुकाना, हेड शुड बी परपेंडिकुलर और ट्विस्ट होगा पूरा, श्वास भरते हुए वापस, चेंज द साइड, तीन बार एक साइड से करेंगे, वेरी नाइस। लास्ट राउंड, स्पाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द अर्थ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी हमें ध्यान से देखना है, हमें साइड एंड एब्डोमेन की एक्सरसाइज करनी है, साइड एंड एब्डोमेन, ठीक है, जो घुटना है उससे ठीक सीध में और दूसरे हाथ को हिप्स की सीध में लेकर आना, ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए साइड में जैसे पुशअप लगाते हैं बिना घुटना उठाए, श्वास भरते हुए वापस, चेंज द साइड, तीन बार एक साइड से, घुटना बिना उठाए,
नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हमें पेट की एक्सरसाइज करनी है। ये जो एक्सरसाइज है हमारी कार्निवोरस एनिमल से ली हुई है, जितने भी शेर, चीते, भेड़िए, भालू, जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनका टेम्परेचर हाई रहता है, उनको कूल डाउन करने के लिए हम करते हैं दोनों हाथों को पीछे की ओर पलट के, ये देख लीजिए हाथ को पीछे की ओर पलटना है, हाँ थोड़ा सा हाथों खोल दे ताकि लंग्स पूरे खुल सके, कंधों की जितनी चौड़ाई रखें बस, कंधों के जितनी, जीव को बाहर निकाल लें, आंखों को ऊपर पलटें, देख लें एक बार सुमित जी, ये आपके पूरे शरीर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगी, लीवर को, पेनक्रियाज को, एब्डोमिन को, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करेगी, फूड पाइप को एक्टिवेट करेगी, थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पूरा लंबा श्वास लेना है, पूरा छोड़ना है केवल, लेकिन पेट तक श्वास जाना चाहिए, पेट तक आना चाहिए। रिपीट कर लें तो इससे आपका स्वास्थ्य ही केवल स्वस्थ नहीं होगा बल्कि ये बहुत सारे अन्यत्र फायदे भी देंगे, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एब्डोमिनल कोई स्वेलिंग है वो सारे के सारे रिकवर इससे हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और कर लें सुमित जी, कंधों जितना खोल के रखें हाथ को, कंधों जितना, ज्यादा भी नहीं, नहीं नहीं क्लोज दो और थोड़ा क्लोज, यस अब सुनिए। अब गले को, जीव को तालु के ऊपर स्क्रैच करें और रस पीते हुए गले को रिलैक्स करें, थोड़ा सलाइवा निगलते हुए गले को मालिश करें, अगली एक्सरसाइज के लिए। अब हमने पेट तक की सारी एक्सरसाइज कर ली है, पैरों की तरफ जा रहे हैं, चलिए दोनों पैरों को फैलाइए, यहां से हमें अल्टरनेट टो टच करना है, देख लें एक बार, हाथों को जितनी सीध में पैर है उतनी सीध में खोलना है और ट्विस्टिंग करनी है, हाथ पीछे पूरा खुला रहेगा, पूरा ट्विस्टिंग करनी है और टो टच करना है, आफ्टर एवरी 10 राउंड्स यू हैव टू ओपन योर लेग मोर, हर 10 राउंड के बाद आपको पैर और ज्यादा खोलने हैं, यस वेरी गुड। अब दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, अब चलाएंगे थोड़ा सा चप्पू, फिर वापस, चल 10 राउंड ईच साइड,
पूरा पीछे तक जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए लेट जाइए सुमित जी, अब लेट कर चलेंगे हम शॉपिंग करने। आप रेडी हो शॉपिंग के लिए? सुमित जी हमें शॉपिंग करने जाना है बिना कार के, साइकिल पे जाना है और साइकिल भी पूरे पैडल वाली, एक बार आप देख लें उसके बाद। करिए पूरा पैर खोलिए, घुटने सीधे करें लास्ट एंड तक सामने। ध्यान रहे हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं, हमें केवल विंडो शॉपिंग करनी है और फिर वापस आना है। जितनी दूर हम साइकिल में पैडल आगे मार के गए थे उतना ही वापस भी आना है। देख लीजिए कैसे ये वापस आएंगे स्लो, और इसकी फिर स्पीड बढ़ाओ वापसी के लिए भी। रुकना नहीं है, अदरवाइज एवरीडे वी हैव टू परचेज अ न्यू होम। आगे नहीं जाना, पीछे आना है। दिस एक्सरसाइज कैन ऑब्जर्व हाउ मच कंट्रोल यू हैव ऑन योर बॉडी। ये साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। थोड़ी देर रेस्ट कर लें। अगली एक्सरसाइज के लिए रेडी, दोनों हाथों को साइड में रखना है, हिप्स के नीचे नहीं। 5 inches अप डाउन बोथ लेग्स। केवल 5 इंच, पैर के पंजे सामने की ओर खींचे हुए, केवल 5 इंच ऊपर नीचे करने हैं। दोनों पैर मिला के रखो, केवल 5 इंच, ज्यादा नहीं। यस, काउंट 30 बाय योरसेल्फ ऑनेस्टली। ये आपको 6 पैक ऐप बनाती है, पेट की सारी समस्याएं, पेड़ू जहां पर सबसे ज्यादा फैट होता है नीचे की तरफ वो कटता है इससे। थोड़ी देर रिलैक्स करें। अगर रिलैक्स हो गए हैं तो आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को साइड में रखें, हिप्स के नीचे नहीं। 1 2 1 2 90 डिग्री तक ही उठाना है।
और पैर बिल्कुल सीधे, घुटने बैंड नहीं करने, बिल्कुल सीधे रखने। वन टू, वन टू, चलिए शुरू करें। कंधों को और गर्दन को नीचे रखो, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करो। रिलैक्स फॉर अ मोमेंट। जब भी हम रिलैक्स करते हैं तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए अपना ब्रीदिंग सिस्टम, लंग्स में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज होती है, कैसे ऑक्सीजन बाहर आती है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड सेल्स के अंदर, ये सारा सारा क्या फॉर्मेशंस हैं वो देखनी चाहिए। आगे बढ़ें। नाउ रोलिंग, दोनों घुटनों को फोल्ड करो, फिंगर लॉक करके शुरू करो रोलिंग को। पैर के पंजों पर पूरा बैठना है, दोनों पैरों को मिला के रखो। सुमित जी जब नीचे आते हो दोनों पैर मिले होने चाहिए, कागासन की स्थिति होनी चाहिए दोनों बार, दोनों कंडीशन में। रिलैक्स। अब पेट के बल आ जाएं, पेट के बल आकर आप रिलैक्स कर सकते हैं मकरासन में। कोहनी मिली हुई, हथेलियों पर ठोड़ी और पैरों की मूवमेंट, एल्बो को थोड़ा आगे खींचो, एल्बो को थोड़ा आगे की ओर खींच के रखो और खींचो, नजर सामने, दोनों कोहनियां मिली हुई। ये मकर आसन है, मकर मगरमच्छ, क्रोकोडाइल पोज। रिलैक्स। अब करेंगे स्विमिंग। स्विमिंग आती है सुमित जी? नहीं आती तो देख लो स्विमिंग कैसे करनी है। पूरा स्विम करना है, 20 राउंड्स करने हैं आपने। कोशिश करो दोनों पैरों को मिला के रखो। तो
रिलैक्स। दोनों पैरों को ओपन कर लें, टोज आउटवर्ड साइड एंड हील इनवर्ड साइड, गैप इन बिटवीन बोथ लेग्स अबाउट 1.5 feet, चिन ऑन द पाम्स, पाम ऑन द ग्राउंड, चलिए सुमित जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाओ। स्नेक पोजीशन, दोनों हाथों के हथेलियों को ठीक कंधों के नीचे लेकर आना है और श्वास भरते हुए कंधे खींचे हुए नीचे की ओर, गर्दन खींची हुई ऊपर की ओर, आधी खुली हुई एल्बो यहां पर रोक रहा है, श्वास छोड़ते हुए वापस 3 बार रिपीट करेंगे। और थोड़ा ऊपर उठो, हाँ चलो 3 बार करें। लास्ट राउंड, रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज, होल्ड योर एंकल, अब धनुरासन, बो पोज बोलते हैं, एंकल को टाइट पकड़ो, श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को खींचना है, पैरों से पीछे की ओर, हाथों से ऊपर की ओर, दोनों टोज को मिलाकर रखने की कोशिश, रिलैक्स। बहुत अच्छे, दो बार और रिपीट करें। चलिए बैठ जाइए। सुमित जी अब करेंगे हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ताकि आपके लंग्स पूरे तरीके से कार्य करें, एक बार समझ लें। सबसे पहला होता है नाड़ी शोधन क्रिया, नाड़ी शोधन क्रिया है ना कि प्राणायाम है। इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल टू इनहेल, राइट टू एक्सहेल, राइट टू इनहेल, लेफ्ट टू एक्सहेल, दिस इज वन साइकिल। इसमें फोकस क्या करना है, इन बिगिनिंग प्रैक्टिस जितनी श्वास लेते हैं उससे 2 गुने टाइम में छोड़ना है, जितनी देर में श्वास लिया उससे 2 गुने टाइम में छोड़ना है। और दिस इज द ओनली वे हाउ वी कैन बी इन द प्रेजेंट, ब्रीथिंग इज द ओनली सोर्स, इसीलिए ब्रीथिंग को बहुत ही साइंटिफिकली फॉलो करना है, टेक्निकली यहाँ पे मिस्टेक ना हो, झटके ना लगे, एक बार देख ले अच्छे से। बिना आवाज लिए श्वास लेना है, बिना आवाज किए श्वास छोड़ना है, बहुत धीरे से। और इसमें आपकी मूवमेंट होगी, मूल बंद लगा रहेगा, ध्यान से देखिए एक बार। ये मेरा एक साइकिल था, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, इसमें
ये हमें गलती नहीं करनी, ना आवाज करनी है ना स्पाइन की मूवमेंट करनी है। स्पाइन भी स्टिल रहेगी और ब्रीदिंग भी स्लो रिदमिक होगी। ओके शुरू करें, चलिए 5 राउंड करेंगे केवल सुमित जी। After completion of 5 round, हर एक ब्रीदिंग के बाद हमें कपाल भाती करनी चाहिए। कपाल भाती का टेक्निकल पार्ट क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल और शास्त्रविद है वो जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ उसको पूरा समझना। कपाल भाती में सबसे पहले लंग्स में पूरा ऑक्सीजन भरा हो लंग्स में, और स्ट्रोक देना है नोवल पॉइंट से। लेकिन जब तक लंग्स में दोबारे से श्वास पूरा ना भर जाए तब तक स्ट्रोक नहीं देना है। इतना पेस, हर एक आदमी का अलग अलग पेस होता है। कई बार अलग अलग बड़े बड़े स्वामी जी हैं, बड़ी बड़ी बातें बता जाते हैं, लेकिन उनके गलत प्रैक्टिस से बहुत सारे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम भी हुई है। ठीक है, तो देख ले एक बार। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड होल्ड करना है एब्डोमेन को, ऑक्यूपाई हो जाए ऑक्सीजन से, फिर हमने स्ट्रोक देना है। अब इसमें एक और चीज है, मानसिक रूप से एक मंत्र का उच्चारण भी करना है, जिसको मैं बोल के करूंगा, आपने उसको इंटरनली करना है। हुम की आवाज आएगी, आर्या हुम की आवाज, ये हुम की आवाज को फॉलो करना है मेंटली हर बार। इसमें यह नहीं कि 1 सेकंड में 2 बार करा, 1 मिनट में हमने 120 बार करा, 180 बार करा, अस्थमा की प्रॉब्लम श्योर हो जाएगी। लंग्स की ताकत कमजोर होती है, इससे लंग्स को पूरा मूवमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए करिए, 50 बार करें सुमित जी। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए एब्डोमेन को होल्ड करना है एक्सहेल करने के बाद।
कपाल भाती सबसे अच्छा द्योतक है कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है ये बाहर निकालता है। और माइंड के लिए कपाल भाती इसलिए करा जाता है कि ये जितने नेगेटिव थॉट्स हैं आकाश तत्व की जिसको कमी है, कपाल भाती से आकाश तत्व बढ़ता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कपाल भाती करने से कुंडलिनी नीचे से ऊपर की ओर उत्थित होती है, उठती है। तीनों कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये करना चाहिए। ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तीनों बेनिफिट हमें देती है, इसीलिए इसका नाम कपाल भाती है। कपाल मतलब कपाल सिर, भाती मतलब शरीर से, शरीर से सिर की तरफ उत्थान करना। शास्त्रों में जितने भी एजुकेशन हैं वो सब कोर्स में है, जिसका ज्ञान चक्षु खुलेगा उसी को समझ में आएगी। जिसको सही केवल नकल करने से, किसी कह देने से, अगम शास्त्र केवल कोड में ही होते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लिटरेचर होंगे वो कोड में होंगे। हर एक आदमी समझ नहीं पाएगा क्योंकि सरल भाषा का वर्जित है। जिसका मानसिक विकास नहीं है वो आध्यात्मिक विकसित नहीं हो सकता। पचास राउंड करने के बाद रिलैक्स, तीन बार ओम चैंटिंग मकार ध्वनि पे, यानी कि सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए तीन बार ओम चैंटिंग करें। दोनों हाथों को ज्वाइन करें, ओम सहनावतु, ओम सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहि, सह वीर्यम करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, आविद्विषावहि, ओम शांति 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 रे भवतु शांति, ओम शांति 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 रे भवतु। रब योर बोथ पाम्स टुगेदर, पुट ऑन योर आइज, ओपन योर आइज आफ्टर वॉचिंग योर पाम। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू सर। कैसी रही आज की क्लास आपकी?